सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। अगर जिंदगी आपको मजबूत करना चाहती है तो फिर आप क्यों मजबूर हो रहे हो। जिंदगी में सुखी होना हो तो दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दो। आज का पंचांग 10 अगस्त 2022 दिन बुधवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 2:15 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 9:39 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:32 से 2:09 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर दोपहर 2:58 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 10 अगस्त 2022 दिन बुधवार, आप आज किसी मनोरंजक व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करेंगे। उनके साथ मजेदार बातचीत से समय अच्छा गुजरेगा। इस आदमी से सीखने और प्रेरणा लेने की कोशिश करें, इससे आपको और लोगों की मन स्थिति समझने में भी मदद मिलेगी। परिवार की यात्रा में अगर अपनी मनपसंद जगह जाना है तो योजना बनाने के समय सबसे आगे रहें। अचानक हुए ब्रेकअप या अलगाव से आप अकेला महसूस कर सकते हैं, इस एकांत से बाहर आएं, क्योंकि दुखों से उभरने का यह सबसे अच्छा समय है। जल्दबाजी के फैसलों या जोखिम भरे कार्यों से बचें। रचनात्मक शौकों का आनंद लें। पारिवारिक रिश्तों से आर्थिक फायदा मिलेगा। अपने बदलते मनोभाव के कारण आप उदास महसूस कर सकती हैं। पुरानी अच्छी चीजों के बारे में विचार करके आपको अच्छा लगेगा। सफलता इसमें नहीं कि आप कभी कोई गलती ना करें, बल्कि इसमें है कि आप कभी कोई गलती दोबारा ना करें। घर में संबंधियों अथवा नजदीकी मित्र के आने से खुशी भरा माहौल रहेगा। संतान से संबंधित चल रही कोई इच्छा दूर होने से राहत मिलेगी। कुछ समय किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। जिन कठिनाइयों से आपका सामना हो रहा है वे जल्द ही खत्म हो सकती है। प्रार्थना और ध्यान पर जोर देते रहें ताकि मानसिक रूप से होने वाली तकलीफ का असर आप पर ना हो। आध्यात्मिक बातों की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव जीवन में काफी हद तक सुख शांति बनाए रखेगा। करियर से संबंधित निर्णय को अमल में लाना फिलहाल संभव नहीं है। नौकरी करने वाले लोगों को फिलहाल जो काम प्राप्त हुआ है केवल उस पर ध्यान बनाए रखें। परिचित व्यक्ति से विवाह संबंधित प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की तकलीफ ना बढ़े इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जो लोग लघु उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपनी किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा करने का वादा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भूल जाए जो सिर्फ हाथ बचाना जानते हैं और कोई परिणाम नहीं देते। आज के दिन अपने प्रिय से कोई बुरी बातें ना कहें। वरिष्ठों का सहयोग और तारीफ आपके आत्मविश्वास और उत्साह को दुगना कर देंगे। दूसरों की राय को गौर से सुने। अगर आशा वाकई फायदा चाहते हैं तो गलतफहमियों की लंबे दौर के बाद इस शाम आपको जीवन साथी के प्यार का तोहफा नसीब होगा। इसके लिए आप कुछ अच्छा भी कर सकती हैं। सावधानियां, रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें। किसी भी गैर कानूनी कामों में दिलचस्पी ना लें। ज्यादा वाद विवाद से समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। इस तरह अपनी इस गतिविधि को धैर्य और संयम से करना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में गंभीरता रखें। आज का दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आप पिछले कुछ दिनों से बचाव की मुद्रा में थे और अपनी प्रेम संबंधों में काफी संयमित थे।
पर आपको ये एहसास होगा कि ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी दीवानगी से भरा स्वभाव दिखाना होगा और आप अपने प्यार को खिलता हुआ देखेंगे। आपका साथी आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन वो बड़ी ही उत्साहित प्रवृत्ति की मुद्रा में आपको जवाब देंगे। रोमांस तथा प्रेम के खेल का आनंद लेने के लिए आपके प्रयास बेहद जरूरी हैं। अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और पार्टनर के साथ कुछ यादगार पल जुटाएं। याद रखें, कोई भी संबंध संपन्न नहीं होता, बस अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके इसे और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। निजी मामले और परिवार आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। आप और आपके लव के बीच कुछ चीजों को लेकर खट्टी मीठी नोकझोंक हो सकती है। अपने इस तकरार को प्यार में कैसे परिवर्तित करना है, यह बात आप अच्छे से जानते हैं। बस अपनी जुबा पर थोड़ा नियंत्रण रखें। सिंगल लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। बात करते हैं करियर की। आज समय अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना का प्रयोग करके अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने का। नए अवसरों को प्यार करने के लिए आपका डिप्लोमेट स्वभाव आपके करियर को नई दिशा देगा। अचानक डिस्कनेक्शन आपके लिए उदासी का कारण बन सकता है। आज आपका करियर और प्रतिष्ठा दोनों आपकी प्राथमिकता रहेंगी। आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर नई धारणाओं और रणनीतियों को आजमा सकते हैं। व्यवसाय प्रक्रियाओं की योजना और प्रगति के विभिन्न चरणों को देखते हुए आज आपका दिन बढ़िया है। अब आप थोड़ा विश्राम भी चाहते हैं। सकारात्मक रहें और सही कनेक्शन ढूंढें। आज का दिन अपने सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। आप किन्हीं बाहरी कारणों से समय पर अपना काम खत्म नहीं कर पाई, इसीलिए आपको शीघ्रता दिखानी होगी, क्योंकि आपका काफी कार्य लंबित है। आज नई प्रतिबद्धताओं का दबाव कम होगा, इसलिए आप अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को समय पर खत्म कर पाएंगे और इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आराम करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा और आनंद भी, क्योंकि आपने अपने सारे लंबित कार्यों को पूरा कर लिया है। व्यवसाय संबंधित कुछ दिक्कतें और परेशानी आएगी। कोई भी खास निर्णय लेने से पहले घर के वरिष्ठ अथवा किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, इससे आपको उचित समाधान मिलेगा। ऑफिस में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। मानसिक तनाव रह सकता है, ध्यान रखें। आपकी सृजनात्मक शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका काम भी बढ़ता जाएगा। ऐसे स्थिति में आपको अरोमा थेरेपी के साथ साथ मसाज करवा कर भी खुद को आराम देना चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और इससे आप अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। आज का उपाय। आज अब गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।